हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्लाइड फिजिक्स वन आई मीन ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के लिए जो अपना टॉपिक चल रहा था फ्रिक्शन, वहीं जहां तक हुआ था उसके बाद आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बेटा फ्रिक्शन में हमने अभी तक आपको ये समझाया है कि फ्रिक्शन होता क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, उसके बाद लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंड एक और टॉपिक डिस्कस किए थे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। ठीक है, ये अपना लास्ट लेक्चर, लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक था लास्ट लेक्चर का एंगल ऑफ रिपोज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में और जो भी अपने टॉपिक्स है वन बाय वन करके। तो आप हेडिंग लगा लो जल्दी से, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज वो होगा अपना एंगल ऑफ फ्रिक्शन। पुट योर हेडिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझना है, थोड़ा समझते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। कंसिडर करो मेरा बच्चा, ये हमारा कोई रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, इस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। कंसिडर कर लो ये अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा भाई, इसका मास हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मास है एम। अब इस पे लगने वाले सारे फोर्स को डिनोट करो, तो सबसे पहले इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा एंड दिस फोर्स विल बी एम जी। ठीक है, जिस सरफेस पे ये रखा हुआ है वो सरफेस इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एन। नॉर्मल रिएक्शन को हम आर या एन बोल सकते हैं, ये एन है नॉर्मल रिएक्शन। कंसिडर करो कि इस पे एक फोर्स लगा के, ये जो पी है ये हम बोल रहे हैं अप्लाइड फोर्स। पी हमारा क्या है? अप्लाइड फोर्स है। ठीक है ना बेटा, ये फोर्स लगा के हम इस ऑब्जेक्ट को अगर राइट साइड में डिस्प्लेस करेंगे तो आपको पता है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इस डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन लगेगा स्मॉल एफ। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान से देखो, एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर का, यहां पे इसी पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों का टेल है। तो जब दो वेक्टर का टेल एक पॉइंट पे होता है तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग एक वेक्टर के टिप से दूसरे वेक्टर के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, दूसरे वेक्टर के टिप से उस वेक्टर के अलोंग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग कॉमन टेल से मिलाते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कॉमन टेल से मिलाए, ये जो अपना वेक्टर होता है यही होता है रिजल्टेंट वेक्टर आर। बच्चा मेरा, रिजल्टेंट वेक्टर आर और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का ये जो एंगल है थीटा, इसी एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। कंफर्म बात है? अब यहां पे सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। आप कमेंट करने लगते हो सर डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में आप बहुत सिंपली लिख सकते हो द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। मतलब नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के रिजल्टेंट आई मीन आर और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जल्दी से डेफिनेशन राइट कर दे रहा हूं मैं। डेफिनेशन में हम आपको बोले कि द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन
नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, तो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का कौन है? R, कैपिटल R से डिनोट किया गया है. एंड नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग N से डिनोट कर रहे हैं, इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप समझिए. एंगल ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड, बच्चा मेरा ध्यान से देखो आप, अगर इस एंगल के लिए हम टेन थीटा का वैल्यू, ऐसा करते हैं देखो, लास्ट क्लास में हम लोग थीटा जो निकाल बोले थे, थीटा को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज बोले थे, तो इस एंगल को हम कुछ और से डिनोट कर लेते हैं. इस एंगल को आप कंसिडर कर लो, हम लोग डिनोट कर लेते हैं अल्फा से. इस एंगल को हम डिनोट कर रहे हैं अल्फा से. अल्फा को बोला जाएगा, ये जो एंगल है यहाँ पे, इस एंगल अल्फा को बोला जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन. इसके लिए बच्चा मेरा, तो टेन अल्फा का वैल्यू बोलो, तो टेन अल्फा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस. तो ये देखिए, परपेंडिकुलर मतलब ये वाली लाइन की बातचीत हो रही है. परपेंडिकुलर का मतलब है कि आप इस लाइन का बात कर रहे हो. ये लाइन आपका क्या है? ये लाइन है आपका फ्रिक्शन, वेक्टर शिफ्ट करेगा, फ्रिक्शन है, और बेस आपका है नॉर्मल रिएक्शन. मीन्स टेन अल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, अब ना बेटा माइंड में तुम्हारा बहुत सारा बात सेट कर रहा होगा धीमे धीमे करके. कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू निकाले थे तब भी एफ बाई एन आया था. टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू निकाले थे तब भी एफ बाई एन आया था. एंड टेन अल्फा का वैल्यू निकाले तब भी एफ बाई एन आया. मतलब हम बोल सकते हैं तीनों इन्फॉर्मेशन को यूज करके कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर टेन थीटा बराबर टेन अल्फा. और एक और इम्पॉर्टेंट बात आप ये बोल सकते हो कि दो, देखो टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, मतलब थीटा इज इक्वल टू अल्फा, मतलब एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? बराबर होता है. एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने का आपके पास तीन टिप्स है. कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए आप फ्रिक्शन को नॉर्मल रिएक्शन से डिवाइड कर दो, एफ बाई एन का वैल्यू म्यू के बराबर होगा. या अगर एंगल ऑफ रिपोज दिया हुआ है तो टेन थीटा ऑफ डैट एंगल कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा. या एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है अल्फा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है तब भी आप म्यू निकाल सकते हो. म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा, मीन्स म्यू इज इक्वल टू, यहां पे आप देखो म्यू इज इक्वल टू कितना सारा इंफॉर्मेशन आपको मिला, म्यू बराबर टेन अल्फा बराबर टेन थीटा. ठीक है, मतलब कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने का आपके पास तीन टिप्स हो गया. एक फ्रिक्शन बाई नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा टेन थीटा या टेन अल्फा. तीनों ही टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू. ठीक है ना, इसको आप राइट करो, फिर आगे का कॉन्सेप्ट समझाते हैं. हो गया बच्चा पार्टी, चलो आगे समझते हैं. बेटा अब अपने को समझना है, ये जो इंपॉर्टेंट बात है सब आई थिंक क्लियर हो गया होगा. यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव तुमको मिला है और इम्पॉर्टेंट टूल्स मिला है न्यूमेरिकल्स के लिए. म्यू बराबर, अगर म्यू नहीं दिया रहे तो कितने टाइप से आप म्यू निकाल सकते हो, आई मीन कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हो. अब इसमें जो टॉपिक है अपने सिलेबस में वो है वर्क डन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वर्क डन ऑन इंक्लाइंड सरफेस. ठीक है, तो हेडिंग लगा लेते हैं. सबसे पहले हम आपको समझाएंगे वर्क डन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस. वर्क डन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वर्क डन कैसे निकलेगा? ओके ना बेटा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना. ठीक है, बुक में जो झोल झमेला टाइप से दिया रहता है, कोई फालतू का बकवास किया हुआ है झुंझुन वाला देखे या फिर और भी कोई बुक, सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा.
जैसे यहाँ पे आप मान लो कि ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हम बना लिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास हम मान लेते हैं m है, ठीक है ना बेटा। ऑब्जेक्ट का मास जब m है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा mg, और बदले में अपवर्ड डायरेक्शन में सरफेस इसके ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर मान लो कि एक फोर्स लगा के आप इसको इस तरह से P, मतलब ये अप्लाइड फोर्स है, P क्या है अप्लाइड फोर्स, एक फोर्स लगा के इसको आप राइट साइड में डिस्प्लेस करते हो। जैसे ही फोर्स लगा के आप इसको राइट साइड में डिस्प्लेस करोगे, इस बॉडी के ऊपर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन लग जाएगा। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा स्मॉल एफ। ये जो हमारा रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कंसिडर करो, ये जो अपना रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू। अब ना बच्चा, जब हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी अपने पोजिशन से जहाँ पे अभी है वहाँ से एक सर्टन डिस्प्लेसमेंट कवर करके, एक सर्टन डिस्प्लेसमेंट कवर करके मान लो इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ आ गया, डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है s। अब इसी केस में तुमसे पूछेगा कि फाइंड द वर्क डन बाय द नेट फोर्स, नेट फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ। तो वर्क निकालने के लिए जो आप हमेशा वेक्टर f डॉट s करते हैं, यहाँ पे f आपका नेट फोर्स होता है, ऑलवेज कीप इन माइंड। तो वर्क डन w बराबर वेक्टर f डॉट s, ठीक है, मतलब w इज इक्वल टू f s cos थीटा। बेटा यहाँ पे जो F होता है ये आपका नेट फोर्स होता है, F बोले तो नेट फोर्स होता है, ठीक है ना। अब इस केस में ऐसे सिचुएशन में नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो आप ध्यान से देखो और मेरी बात को माइंड में सेट करो। नेट फोर्स का मतलब हमेशा बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स, यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है भाई, बॉडी जिधर डिस्प्लेस कर रहा है उधर बड़ा वाला फोर्स, तो बड़े वाले फोर्स को हम क्या माने हैं, पी माने हैं, माइनस इसको अपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है, तो नेट फोर्स हमारा क्या हो गया, पी माइनस एफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एस है और नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या एंगल, नेट फोर्स इधर लग रहा है तभी तो बॉडी इधर एक्सलरेट कर रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एस है और नेट फोर्स है हमारा पी माइनस एफ। यहाँ पे अगर आप वर्क डन निकालेंगे तो नेट फोर्स की जगह पे हो गया हमारा P माइनस एफ, मतलब अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट है हमारा S, और ये हो गया कॉस थीटा, कॉस जीरो डिग्री इस केस में। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू P माइनस एफ इनटू S, ठीक है। अब यहाँ पे आप फ्रिक्शन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, सरफेस तुम्हारा कैसा है बच्चा मेरा, सरफेस है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, सरफेस हमारा कैसा है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है बच्चा मेरा, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो जब सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में हम आपको फ्रिक्शन के बारे में समझाए हैं, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल के केस में एम जी के बराबर होता है, तो फ्रिक्शन एफ बराबर म्यू एम जी। फ्रिक्शन की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे आप, अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शन को माइनस करेंगे, उसमें डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका वर्क डन निकल जाएगा। बेस्ट न्यूमेरिकल से ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, इसको आप राइट करो फास्ट। हो गया बच्चा पार्टी। चलो इंक्लाइंड प्लेन का हम एक केस आपको समझा देते हैं और उसके बाद इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। इंक्लाइंड प्लेन का केस समझना, वर्क डन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन, इसको बच्चा हम दो केस में आपको समझाएंगे, ठीक है। केस वन में हम डाउन द प्लेन का केस लेते हैं, केस वन में हम लोग डिस्कस करेंगे डाउन द प्लेन, जब ऑब्जेक्ट प्लेन पे नीचे की तरफ आएगा। कंसिडर करो
ये हमारा रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। ये जो एंगल हम मान रहे हैं थीटा, ये है अपना एंगल ऑफ स्लाइडिंग। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, इस ऑब्जेक्ट का मास हम मान लेते हैं एम। तो जब बच्चा मेरा ये एंगल ऑफ स्लाइडिंग है तो ये बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगा। मान लो इस पॉइंट से यहाँ तक उसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया एस, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, इसी ए से बी पॉइंट तक आपको वर्क डन निकालना है। 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर नीचे स्लाइड किया, तो बच्चा जब ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन लगेगा इस पे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस पे फ्रिक्शन लगेगा राइट साइड में। इसका मास हम लोग एम कंसिडर किए हैं तो खानदानी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, एम जी। सरफेस इसको देगा नॉर्मल रिएक्शन, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन एन। नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कौन करेगा बच्चा बोल, ये एम जी है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इस डायरेक्शन में होगा आपका एम जी कॉस थीटा और डाउन द प्लेन आपका होगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, अब यहीं पे आपको खेला समझना है। ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस किया है और उसका डिस्प्लेसमेंट है एस। ठीक है, अब यहाँ पे हमको चाहिए वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू हमेशा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। ठीक है, एफ जहाँ पे आपका नेट फोर्स होता है, दिस इंप्लाइज वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे W बराबर फोर्स का वैल्यू मेरा बच्चा, ये F आपका नेट फोर्स है, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा लग रहा है। बेटा इसको अपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है माइनस F। ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा S है और नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो ये हो गया कॉस 0 डिग्री। दिस इंप्लाइज W बराबर ये हो गया आपका एम जी साइन थीटा माइनस, अब देखो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कौन कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है एम जी कॉस थीटा, तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका एस कॉस 0 का वैल्यू 1। इन दोनों में से ज्यादा आप mg कॉमन ले सकते हो, तो देयरफॉर वर्क डन बराबर mg हम कॉमन ले लिए, यहां पे बचा साइन थीटा माइनस, यहां बचा आपका म्यू कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट s। इस तरह से हम लोग वर्क डन निकालेंगे रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब ऑब्जेक्ट डाउन द प्लेन आएगा, मतलब जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। एंगल ऑफ रिपोज के बराबर एंगल होगा या उससे ज्यादा एंगल होगा तो ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करेगा। इस तरह से वर्क डन निकालना है। माइंड में हमेशा कॉन्सेप्ट रखो, वर्क डन निकालने के लिए हमको नेट फोर्स चाहिए होता है। अब नेट फोर्स सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, दो अलग अलग सिचुएशन में हम आपको नेट फोर्स समझाया कि नेट फोर्स कैसे निकलेगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट और जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 होगा। ये जो एंगल आप देखते हो थीटा, ये किसके किसके बीच का एंगल होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। ये एंगल थीटा आपका एंगल ऑफ रिपोज नहीं है, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा है। एक और केस समझाते हैं, जब ऑब्जेक्ट अप द प्लेन जाएगा। ठीक है, राइट करो फास्ट। हो गया बच्चा लोग, चलो एक और इसका इंक्लाइंड प्लेन का केस समझते हैं। इंक्लाइंड प्लेन का जो हम लोग अगला केस लेंगे वर्क डन निकालने के लिए, वो होगा वर्क डन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन केस टू में हम लोग डिस्कस करेंगे अप द इंक्लाइंड प्लेन। पहला केस वन में हम लोग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन में सीखे वर्क डन निकालना, अब हम लोग सीखेंगे अप द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है, ठीक है ना,
अब यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होने वाला है। ये आपका मान लो एंगल थीटा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम रख दिए, इस ऑब्जेक्ट का मास है m। बच्चा मेरा, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को आप पहले डिनोट करो, मास की वजह से जितने सारे फोर्सेस इस पे लग रहे हैं उसको डिनोट करो। तो सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग जाएगा, पक्का बात है। सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कौन करेगा, बैलेंस करेगा mg cos थीटा। और डाउन द प्लेन कौन लगेगा बच्चा, डाउन द प्लेन लगेगा एम जी साइन थीटा, पक्का बात है। अब देखो ऑब्जेक्ट को अप द इनक्लाइंड प्लेन लेके जाना है। भाई डाउन द प्लेन के लिए तो हम एंगल ऑफ रिपोज बढ़ाए थे, ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड कर गया था, लेकिन ऑब्जेक्ट को इनक्लाइंड प्लेन पे ऊपर लेके जाने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई अप्लाइड फोर्स पक्का लगने वाला है। तो एक अप्लाइड फोर्स यहाँ पे लगेगा, अप्लाइड फोर्स को कंसिडर करो कि हम P से डिनोट कर रहे हैं, ये अप्लाइड फोर्स P है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है S। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, S। जैसे ही ये बॉडी अप द इनक्लाइंड प्लेन जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगेगा, फोर्स F। इस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस का कोई ना कोई कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू। अब इस केस में फिर से आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क निकालने के लिए वही अपना प्रोसेस काम आएगा। वर्क डन इज इक्वल टू W बराबर वेक्टर F डॉट S, ठीक है। F डॉट S मतलब W बराबर F S cos थीटा। ये थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, आई मीन नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, यहां जो F है आपका, ये नेट फोर्स है, ठीक है। और ये जो थीटा है, ये नेट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। अब इस केस में तुम नेट फोर्स बताओ क्या होने वाला है। तो W बराबर, देखो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है P, ये आपका अप्लाइड फोर्स है। P कैसा फोर्स है बच्चा मेरा, ये P है आपका अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना, P है आपका अप्लाइड फोर्स। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको दो फोर्स मिलकर अपोज कर रहे हैं, mg sin थीटा और फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स हो जाएगा आपका P माइनस mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, ये हो गया आपका नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट S। और जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, मतलब नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जीरो। तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। Therefore वर्क डन बराबर P माइनस mg sin थीटा, और इंक्लाइंड प्लेन के केस में फ्रिक्शन जो होगा आपका वो कितना होगा, तो फ्रिक्शन होगा म्यू mg cos थीटा के बराबर, ठीक है। इसमें आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, आपको वर्क डन मिल जाएगा। दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड वर्क डन अप द इनक्लाइंड प्लेन ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। सबका वैल्यू गिवन होगा, वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला याद बिल्कुल नहीं करना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, फोर्स को ब्रेक करना, नेट फोर्स के लिए हमेशा बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना, एंड डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, आपका वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है ना। राइट करो, फिर एक दो क्वेश्चन कराते हैं, हो जाएगा टॉपिक कंप्लीट। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन है, समझिए इसको। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, बोल रहा है ब्लॉक ऑफ मास 6 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास है 6 kg, इट्स स्लाइडिंग डाउन अ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। एक प्लेन से डाउन नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, और इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है विद हॉरिजॉन्टल। इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू का वैल्यू दे दिया 0.4, देन कैलकुलेट एक्सलरेशन। ऑब्जेक्ट का आपको क्या फाइंड करना है, एक्सलरेशन फाइंड करना है, और आपको जी का वैल्यू कितना लेना है, जी का वैल्यू लेना है 10 m/s². सबसे पहले हम आपको बोल रहे हैं, कोई भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन पूछता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस का, इंक्लाइंड प्लेन का, सबसे पहले बच्चा मेरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का कोशिश करो, आधा प्रॉब्लम आपका वहीं से सॉल्व हो जाना है। तो आप देखो
मान लो कि ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये है इंक्लाइंड प्लेन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू है 0.4। एंगल यहाँ पे कितना दे दिया, ये एंगल दे दिया 30 डिग्री। अब बेटा बोलता है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, इस ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 6 kg। ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया, 6 kg दिया। अभी इस पे लगने वाले सारे फोर्स को आप ब्रेक कर लो। सबसे पहले इस पे जो फोर्स लगेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कौन करेगा, mg cos, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। एंड डाउन द प्लेन फोर्स कितना लगेगा, ये लगेगा mg sin 30 डिग्री, पक्का बात है। बोलता है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 6 kg स्लाइडिंग डाउन, ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। जब ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो इस पे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप नेट फोर्स के बारे में सोचो कि नेट फोर्स कितना होगा। तो नेट फोर्स बराबर, हम आपको हमेशा बताएं, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स। अब बड़ा वाला फोर्स क्या, कौन होता है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव करता है वो फोर्स बड़ा वाला होता है। तो ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है भाई, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg sin 30 डिग्री, माइनस इस फोर्स को अपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है, तो माइनस फ्रिक्शन f। नेट फोर्स बच्चा, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर mg sin 30 डिग्री माइनस, ये देखो रफ इंक्लाइंड प्लेन का केस है, तो रफ इंक्लाइंड प्लेन के केस में फ्रिक्शन कितना, म्यू mg cos थीटा माने 30 डिग्री, ठीक है। जो टर्म यहां से कैंसिल हो रहा है, सबसे पहले उस टर्म को आप कैंसिल करो, तो आप देख लो मास कैंसिल हो रहा है, ठीक है, दोनों साइड से कॉमन लेके काट देंगे, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन a बराबर, जो बचा हुआ है सबका वैल्यू पुट करते हैं, जी का वैल्यू अपने को कितना लेना है, 10 लेना है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, माइनस म्यू का वैल्यू 0.4, जी का वैल्यू 10, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, ठीक है। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ए बराबर, ये हो गया आपका 5, 2 टाइम में कट गया, 2 5 जा 10, 5 टाइम में कट गया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों मिल के 4 हो जाएगा, और इससे इसको काट देते हैं 5 बार में, 5 का 20 मतलब 2, माइनस 2√3, ये आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया। तो हम आपको बस हिंट कर रहे हैं कि कोई भी फ्रिक्शन का प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बना के ही आप फ्रिक्शन के प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, ओके। एक क्वेश्चन और देखो बेटा, क्या बोलता है, प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको लगभग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि बैक टू बैक दो सवाल इसमें पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, एक 2 kg मास का ब्लॉक है, वो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल से, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 3/2, आपको कैलकुलेट करना है फोर्स, ठीक है ना। दो सिचुएशन में फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड, फोर्स निकालना है बॉडी को, ब्लॉक को नीचे की तरफ लेके जाने के लिए, और दूसरा ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए। अब यहीं पे मान लो कि वर्क पूछ देता, तो भाई डिस्प्लेसमेंट दे देता, फोर्स तो तुम निकाल लेते, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते, वर्क डन मिल जाता, कोई हाई फाई ना रॉकेट साइंस वाला प्रॉब्लम नहीं आता, फोर्स निकालने आना चाहिए। नेट फोर्स जिधर होगा ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट उधर ही होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क डन मिल जाएगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हैंडल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह से एक सीन बना के समझो आप, मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इस पे ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इसका मास दिया हुआ है 2 kg, m बराबर 2 kg मास इसका दिया हुआ है। सबसे पहले तो मास को ब्रेक कर लो, कितना सारा फोर्स मास की वजह से इस पे लग रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पे mg, ये सरफेस आपका लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन,
कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 3/2। नॉर्मल को बैलेंस कौन करेगा? नॉर्मल को बैलेंस करेगा mg cos 30 डिग्री, और डाउन द प्लेन कौन लगेगा? mg sin 30 डिग्री। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचो, तुमसे बोल रहा है कैलकुलेट फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक डाउनवर्ड, मतलब आप उस फोर्स का वैल्यू निकालो जो फोर्स बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए लगेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आपको बताना है। तो आप कंसीडर कर लो कि ये फोर्स हम लगा दिए F। अब इस फोर्स की वजह से ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बच्चा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। अब फिर से आप नेट फोर्स निकाल लो, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला यहां पे क्या होगा समझिए, ध्यान देने वाला बात है यही नेट फोर्स का फॉर्मूला। तो बच्चा इक्विलिब्रियम पे जब बॉडी है तो नेट फोर्स का वैल्यू क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। चलो देखो बेटा, यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। अब नेट फोर्स का वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो दो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ कितना लग रहा है? एफ प्लस एम जी साइन 30 डिग्री, और ऊपर की तरफ एक फोर्स जो उसको बैलेंस कर रहा है वो लग रहा है आपका फ्रिक्शन F। तो यहाँ से आप सिंपली F का वैल्यू निकाल लो, दिस F इज इक्वल टू फ्रिक्शन माइनस mg साइन 30 डिग्री। अच्छा बेटा, ये जो फ्रिक्शन है इंक्लाइंड प्लेन के लिए फ्रिक्शन क्या होता है? तो इंक्लाइंड प्लेन के लिए फ्रिक्शन होता है F इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा माइनस mg साइन थीटा, सबका वैल्यू रखो आप, आपको फोर्स मिल जाएगा। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 3/2, एम मतलब मास कितना है 2 है, जी का वैल्यू 10 ले लो, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस मास का वैल्यू 2, जी का वैल्यू 10 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल हो गया, 2 से हम इस 10 को 5 टाइम में कैंसिल करते हैं, तो 5 × 3 = 15 √3 माइनस इधर कितना हो गया 10, जो आ जाए सॉल्व करके उतना न्यूटन आपका हो गया आंसर। क्लियर हुआ? क्लियर वाला बात है, ओके। अब यहीं पे मान लो कि बोलता कि डाउन द प्लेन 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, तो जब 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर नीचे आएगा जो डिस्टेंस देगा तो उसको नेट फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, नेट फोर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा वर्क डन मिल जाएगा। राइट करो इसको, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या बोल रहा है समझिए, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको ना फोर्स बताना है कब, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। चलो सीन बना के समझाते हैं, यह आप कंसीडर कर लो इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, इस पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है बच्चा, ये ऑब्जेक्ट हम प्लेस कर दिए, मास इसका 2 kg दिया हुआ है, सारा फोर्स जो इस पे लग रहा है मास की वजह से पहले वो शो करो, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, ये लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कौन करेगा? mg cos 30 डिग्री बैलेंस करेगा, और डाउन द प्लेन फोर्स कितना लगेगा? mg sin 30 डिग्री लगेगा। ये खानदानी फोर्स अब लग रहा है भाई। अब बोलता है क्वेश्चन में पढ़िए कि ऑब्जेक्ट को किधर लेके जाना है, तो ऑब्जेक्ट को ना रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक अपवर्ड, ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा लो, ये फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। बच्चा मेरा जब ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा,
अब फिर से वही काम करो, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होता है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे बच्चा मेरा नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स बराबर, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है आपका एफ जो आपने अप्लाई किया है और उसको बैलेंस दो फोर्स मिल के कर रहा है, एफ प्लस एम जी साइन 30 डिग्री, सबका वैल्यू पुट करो तो एफ बराबर फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री प्लस एम जी साइन 30 डिग्री, सबका वैल्यू पुट करते हैं, म्यू का वैल्यू 3/2, मास का वैल्यू 2, मास का वैल्यू 2, जी का वैल्यू 10, कॉस 30 √3/2 प्लस मास हो गया आपका 2, जी का वैल्यू 10, साइन 30 1/2, जो कटता है उसको काट दो आप, 2 से 2 कैंसिल, 2 5 जा 10, 5 टाइम में कट गया, 2 से 8 2 कैंसिल हो गया, 15√3 15√3 प्लस 10, यहाँ से 10 बचा ना, जो आ जाए सॉल्व करके इतना न्यूटन हो गया आपका आंसर। इसी में अगर वर्क पूछता तो डिस्प्लेसमेंट देता, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क डन आपको मिल जाएगा। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, देख लेंगे सिलेबस और कोई टॉपिक अगर बचा होगा तो उसको कवर कराएंगे, एक आध लेक्चर और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा इस चैप्टर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सेफ एट होम, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच। जो प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक अपना प्रॉब्लम भेजा है, इग्नोर नहीं कर रहा हूँ बेटा। एक जो लेक्चर मैं बनाऊँगा ग्रुप ए के लिए, उसमें अभी मैं प्रॉब्लम कलेक्ट कर रहा हूँ, 20-25 प्रॉब्लम हो जाएगा, तो एक में सिर्फ आपके प्रॉब्लम पे हम काम करेंगे एक लेक्चर में, दोनों ही ग्रुप का, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के बच्चों के लिए अलग से एक, हम जो सेपरेट स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, जो बच्चे हमको क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं उसके लिए हम अलग से वीडियो शूट करेंगे, और वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बाय स्टूडेंट्स के नाम से वो वीडियो हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, आप अपना प्रॉब्लम सेंड करो, सबका एक कलेक्शन बन जाए, 20-25 प्रॉब्लम दोनों ग्रुप का हो जाए, तो लगभग एक एक घंटा का वीडियो बना के हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उस वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, कीप हेल्दी, कीप सेफ एट होम।